आ चुके हैं हम गृहेश्वरी शक्तिपीठ। तो जैसा कि मंदिर में लिखा है ना, पशुपतिनाथ मंदिर में, कि सिर्फ हिंदू लोगों के लिए अलाउड है, ऐसे यहाँ पे भी लिखा है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। अच्छा, आपने पहले वाला वीडियो तो देख लिया ना, जहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल बताया गया, जहाँ मैंने बताया कि हम कैसे इंडिया से नेपाल आए, वो व्लॉग पहले देखिए। अब हम निकल चुके हैं काठमांडू घूमने के लिए। तो जो सबसे करीब जगह है वो है गृहेश्वरी शक्तिपीठ, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर भी ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर बाहर का मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काठमांडू दर्शन में हमारा जो अगला स्टॉप है वो है ये राधा कृष्ण मंदिर। तो हम क्योंकि दोपहर में आए हैं तो ये पट बंद है, आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं, बट मंदिर देख सकते हैं, ये इस्कॉन का मंदिर है। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा रहा जब हम यहाँ आए, तो बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है नेपाल। तो हम अक्टूबर के महीने में गए हैं लेकिन तब भी बारिश हो रही है, झरने देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे ना माना जाता है कि यहाँ के झरने नदियों में सालकराम, जो एक शिवलिंग जैसे एक पत्थर है, वो मिलता है। तो एक अंकल ढूंढने के लिए कूद पड़े। अगला स्थान जो हम गए वो है बूढ़ा नीलकंठ। नाम बूढ़ा नीलकंठ है लेकिन यहाँ पर विष्णु जी हैं जो सर पर लेटे हुए हैं। लेकिन अभी क्योंकि श्राद्ध का महीना चल रहा है तो ये सब पूजा वगैरह भी हो रही है, तो ये है विष्णु जी की तस्वीर। और फिर हमने देखा लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्यूट क्यूट से नेपाल के बुज़ुर्ग लोग और दादा दादी लोग दिखे, और बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के। फिर हम अगली जगह जो गए थे वो था स्वयंभू मंदिर। उससे पहले नीचे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, तो कुछ हमारे ग्रुप के लोग उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाने लगे। कुछ लोग, बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं नेपाल में, चाइना से, जापान से, तो ग्रुप्स के ग्रुप्स आए हुए हैं। पीछे आप लोग देख लीजिए, एक जैसा इनका कोड होगा कि घूमे ना। फिर कुछ लोग इनके साथ फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। फिर आइए स्वयंभू में थोड़े भजन सुनते हैं। तो स्वयंभू मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा हाइट पर है। आइए यहाँ और घूमते हैं। तो अब जिस स्थान पर हम आए हैं उसका नाम है, क्या नाम है, आए हैं काठमांडू में जो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, स्वयंभू मंदिर। तो दिखाते हैं आपको यहाँ क्या हो रहा है। देखिए आंटियाँ बढ़िया वीडियो बना रही हैं, इनको हम थोड़ा सा कैच कर लेते हैं। निराली बात ये है कि बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो पैक करके ऐसे जालियों में रखी गई है। खींचना, फोटो खींचेंगे, इधर हम ले लेंगे फिर उससे। श्योर, स्माइल। तो मैं आपको दिखाई थी कि वादियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बादल नीचे हैं, ये जो पूरा धुआं है ना, मतलब वीडियो तो जस्टिस नहीं कर रहा जितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। और सारी बिल्डिंग ठीक है, और सारी बिल्डिंग्स बहुत प्यारी लग रही हैं। कोई जोक यहाँ पे हो गया है जो मुझे समझ नहीं आया, दूसरी भाषा में हुआ है। ओ माई गॉड, हाँ तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग भी देखने आइए और मज़ा आ रहा है। बहुत कल्चरली रिच देश है नेपाल, बहुत रंग रंगीला है। फिर हम नीचे उतरे, हमने देखा एक बच्चा दुकान बंद कराने में अपनी माँ की हेल्प कर रहा है। दुकानदार बहुत मेहनत करते हैं, एक अंकल तो थक कर दिन भर की थकान से सो ही गए। नेपाली लोग इन जनरल बहुत मेहनती होते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं और चढ़ जाते हैं बहुत सारा सामान ले लेकर। फिर ये सब करने के बाद, देखने के बाद, हम शाम को गए बागमती नदी पर, आरती होती है, आप लोग भी आरती सुनिए, बहुत ज़्यादा अच्छा स्पिरिचुअल धार्मिक। Thank you.
ही विश्राम घाट है और पशुपतिनाथ मंदिर है सामने, एक तरफ बागमती नदी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ गए होंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ हाँ ये सिमिलर है। और फिर दूसरे दिन हम घूमे मंदिर के सामने ही, हमें ये प्यारे प्यारे साधु महात्मा मिल गए और एक ये जर्मनी से थे व्यक्ति, ये इनकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे, फिर मैंने फ़ोटो खिंचवाई। दूसरे दिन जब हम शमशान घाट पे देखा तो अर्थियाँ तैयार हो रही थी। तो कितना अच्छा संदेश हमें शमशान घाट पे मिलता है ना, कि सब कुछ कितना टेम्पररी है और ज़िंदगी का आखिरी मकसद हमें पंच तत्वों में विलीन ही होना है। इवेंचुअली कैसे हम लोग बस एक भाप बन के, एक राख बन के रह जाते हैं। तो हमें बहुत हंसते खिलखिलाते घूमते फिरते हुए अपना ये जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहिए। आगे मैं और वीडियोस डालूंगी, इस अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए जो सवाल हों, जो आपके विचार हों। और खुश रहिए, मस्त रहिए, घूमते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।